खेसारी लाल यादव जी हाँ, इनका एक गाना रिलीज हुआ है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। और आपको बता दें, इस गाने ने तो भाई कहर ढा दिया है। इस गाने ने 8 घंटे में 6 मिलियन व्यूज हासिल किया है। आपको बता दें 64K लाइक्स है। तो खैर, आप जो लोग इस गाने के बारे में बहुत कुछ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, और जो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको हम बता देते हैं इस गाने पर ऐड लगाया गया है। अब खेसारी के फैंस कहेंगे ऐड तो पवन सिंह के गानों पर भी लगता है। तो भाई, जब पवन के गानों पर ऐड लगता है तो बवाल क्यों मचता है, और खेसारी के गानों पर जब ऐड लगता है तो सभी को सांप क्यों सूंघ जाता है। खैर, हम आपको कुछ और भी बातें बताएंगे इंटरेस्टिंग। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस गाने को लेकर सही बात बोले तो एक कीर्तिमान तो स्थापित हो ही गया है, फिर चाहे वो ऐड लगा के स्थापित किया गया हो या बगैर ऐड के स्थापित किया गया हो, एक रिकॉर्ड तो बन गया है। अगर ये गाने ने 13 मिलियन व्यूज़ हासिल किया एक दिन में, तो पवन सिंह के गाने जो कि होली में रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड वाइड भोजपुरी की तरफ से, लहंगवा लसलस करा था, जो सभी को याद होगा, जिस जो हाल ही में 100 मिलियन पहुंच चुका है सॉन्ग। और आपको बता दें कि इस सॉन्ग का जो रिकॉर्ड था खेसारी का, अगर ये गाना वहां तक पहुंचता है, व्यूज़ पहुंचता है 24 घंटे में, तो ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब हम बात करते हैं लाइक। तो आपको बता दें, जब ये गाना रिलीज़ हुआ है तो इसकी लाइक्स काफ़ी कम है। जिस हिसाब से इस गाने को व्यूज़ मिले हैं, उस हिसाब लाइक तकरीबन इसके 1.5 से 2 लाख तक होने चाहिए थे, लेकिन ये काफ़ी कम लाइक्स है। खैर, कोई बात नहीं, ऐड लगा हुआ गाना है, आप सभी जानते हैं। और अगर इसी तरह बदस्तूर जारी रहा ये गाना, तो इस गाने ने एक भोजपुरी में जो रिकॉर्ड कायम किया है, इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन होगा। तो खैर, इस गाने के बारे में हम एक बार और आपको बता दें कि इस गाने में खेसारी भगवान शंकर की भूमिका में हैं, और ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस गाने में हल्की फुल्की कॉमेडी है, लोगों को ये भी बहुत रास आ रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि पुदीना का जो एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल के ऊपर किस तरह से खेसारी के किसी गाने को उठाना है, इस गाने से बाकायदा बताया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप खेसारी के इस गाने को लेकर, और साथ ही साथ खेसारी के नए रिकॉर्ड को लेकर, और पवन के नए गाने का आपको कितना इंतज़ार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।